लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को हजरतगंज क्षेत्र स्थित बालू अड्डा क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। एलडीए ने अपार्टमेंट के कई फ्लोर को तोड़ दिया है। परिवर्तन जोन 6 के स्टाफ और पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। एलडीए के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि बुधवार को सुबह 10:30 बजे बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि साल 2016 में एलडीए ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया था, कमिश्नर के यहां अपील की थी, लेकिन यह अपील खारिज कर दी गई, जिसके बाद निर्माण को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं बिल्डर के एडवोकेट आसिफ के मुताबिक एलडीए की तरफ से बिल्डिंग को तोड़ने के लिए सालों पहले नोटिस जारी किया गया था। उसके खिलाफ हमने अपील की थी। हमारी सेकंड अपील हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसकी सुनवाई आज होनी है, लेकिन उस नोटिस को एलडीए के अधिकारी रिसीव नहीं कर रहे हैं। देखिए, इन्हीं ने बिल्डिंग तोड़ने के लिए एक नोटिस आज से सालों पहले दिया था, जिसके खिलाफ हम अपील में गए थे और हमारी सेकेंड अपील ऑलरेडी पेंडिंग है शासन के अंदर। शासन के अंदर पेंडिंग होने के बावजूद दुष्टिकरण करने आ गए, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है, स्पेशल एक्सेप्ट किया है कि जब ऑलरेडी पेंडिंग है तो आप कैसे तोड़ सकते हो। और उसका आज 1:30 बजे आज ही सुबह फाइल हुआ, हाईकोर्ट ने उसको जेड लॉ के खिलाफ मानते हुए आज ही हियरिंग के लिए लगा दिया। और इसका ऑर्डर मैं इनको रिसीव करा रहा हूँ, ये ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे हैं, कह रहे मैं ऑर्डर नहीं रिसीव करूँगा। ये कौन लोग नहीं कर रहे हैं? ये एलडीए वाले हैं, कर रहे हैं, दुष्टिकरण कर रहे हैं। तो कानून को आप मानेंगे नहीं, लॉ को आप मानेंगे नहीं, तो कोई भी देश, कोई भी कंट्री लॉ पर चलती है। अपना हम क्वाइट कन्फ्यूज कि वेदर द स्टेट विल वर्क एज बाई द लॉ और एज बाई द ऑफिसर्स ऑफ द एलडीए, ऑफिसर्स ऑफ द शासन प्रशासन।